के आसमा के नीचे जमीन के ऊपर और मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही प्रभु और एक ही उद्धारकर्ता, एक ही सृष्टिकर्ता और एक ही हमारा सतगुरु है जिसका नाम है यीशु मसीह। और इस यीशु मसीह कोई अलग प्रभु नहीं है, ये कोई देशी और विदेशी प्रभु नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो उसने सारे संसार के लिए अपनी बाहों को फैलाया और सारे संसार के लिए अपना प्राण सूली पर बलिदान करके हर एक जन को उनके पापों से मुक्ति किया है। मैं भी इसी हालात में, इसी कैटेगरी में था, एक आम आदमी, गांजा शराब जुआ व्यभिचार, मेरी आंखों में गंदी सोच, सब कुछ था और मैं एक नाश हो रहा था। मेरे शरीर में एक पसली उठती थी और उसका कोई इलाज नहीं था संसार में कहीं। और मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके शंख फूंक देता था और सारे नियम और व्रत बड़े कायदे से करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए कहीं पर भी कोई राहत की नाम की चीज़ नहीं थी। अंततः क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा खून का दस्त शुरू हो गया और मैंने सोचा कि ऐसी दुनिया से क्या फ़ायदा जीने से। मैं अपने आप में घुटन महसूस करने लगा और मैं कहने लगा कि अगर कोई दुनिया का कोई प्रभु है, एक सृष्टिकर्ता, कोई अल्लाह है, खुदा है, तो कितना बेदर्द हो गया है जो मैं ऐसी हालात में हूँ। आखिर मुझ में कमी क्या है, उस कमी को अवगत कराया जाए, या तो मेरी जान को मुझसे ले लिया जाए या मुझे जीवन, मुझे शांति का दिया जाए। ऐसे करके मैं अपने आप में घुटन, आत्महत्या कर नहीं सकता क्योंकि इस बात को मैं जागृति पा गया था कि एक आत्महत्या करना एक महापाप है। ऐसी हालात में बड़ी मुश्किलों से मैं जब उठ के गया तो क्या देखा कि एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला और वो पर्चा किसी व्यक्ति ने फेंक दिया था। उसमें एक नाम मिला था, यीशु नाम, और उसने कहा, उसमें लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने अपनी समझ से कोई धर्म, कोई पंथ या कोई जप तप या कोई धार्मिक कर्मकांड, उपवास व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में अशांति और निराशा बहुत अच्छी तरीके से राज कर रही थी। मैंने उस किताब को, पर्चे को पढ़ा, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए हैं वो काम वो भी करेगा। मैंने बहुत सी इन बातों को पढ़ा, मैंने सोचा कि ये क्या बात है, और उसमें लिखा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मैंने उस बात को पढ़ करके मैंने कहा कि चलो देखते हैं, सबको देखा है, चलो तो तुझे भी देखते हैं आखिर क्या है। तो उसमें लिखा है कि इसमें लिखी हुई प्रार्थना को आप अपने जीवन में पढ़ें और याद करें और उसको अनुसरण करें और आपको प्रभु आराम देगा, शांति देगा। मैंने उसको वहीं से आराम पढ़ा और वहीं से मेरे लिए शांति का मुझे अनुभव हुआ। लिखे हुए पते पर मैंने और कुछ मंगाया, फिर वह कहीं पर कहाँ होता था इसका सत्संग, मैंने उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किया, कहीं मिला, बहरहाल मुझे शांति नहीं मिली। अंत में मैं बढ़ता चला गया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे खुद ही प्रोग्रेस किया और बताया कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने इस तरह से प्रभु को 3 दिन का फास्टिंग उपवास व्रत रखा और रखने के बाद प्रभु ने मुझे अपने सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से वो अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया जो कि मैं कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ये चीजें देखी, वो रोग बीमारी मेरी चली गई, मेरे भव व्याधा चले गए केवल यीशु नाम से। और उसका वचन ये बताता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी धर्म पंथ का कोई भी सृजन करने वाला अपनी शांति दूसरे को नहीं दे सकता। केवल उस परमात्मा ईसा मसीह ने इस शब्द को बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और उसने मुझे अपनी शांति दी। मैं अपनी उसकी शांति से आज परिपूर्ण हूँ। आज संसार में लोगों को जन जागृति के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो धर्म पंथ के लोगों को नहीं, वो काबिल लोगों को नहीं, वो ज़्यादा बैरिस्टर, वकील को या कोई वैज्ञानिक को नहीं, परमात्मा के पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को वो ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से जो भजन करना चाहते हैं उस परमपिता का, उस सृष्टिकर्ता का, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु मसीह वो खोज रहा है। आज लोगों, आज ज़रूरत है आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों की। आज हमें किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी एनीबडी, किसी और तरीके से हमें इन सब चीज़ों को ढूंढने की या किसी भूत या किसी बुत को बना करके उसके सामने, या कोई मूर्ति तस्वीर को रख करके उसके सामने हमें अपने दुख दर्द रखें, हमें अपनी कमजोरियों को रखें, हम अपनी व्यथाओं को रखें,
ये सब मनुष्य के निर्मित और मनुष्य की सोच के अनुसार है। उस परमपिता परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को ढूंढता है, और जो इस बात को समझ लेता है उसके जीवन में वो परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। और वो और ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और ये शब्द जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये शब्द हमारे भारत के संतों ने बोला है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, अरे मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो हमेशा हम में है, मुझ में है। लेकिन कभी भी हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करते, और करते भी हैं तो एक दूसरे के गुरु या महंत के द्वारा, एक नए नए योगा के माध्यम से, नए नए क्रियाओं के माध्यम से उसको हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से खोजने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल असंवैधानिक है, ये ईश्वरीय विधान के अनुसार नहीं है। परमात्मा तो जगत के मूर्खों को बुला रहा है जो न किसी काम के लायक है दुनिया में, लोगों ने उनको अलग कर दिया है, सारे संसार के लिए बुला रहा है, और वो कह रहा है हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग नाश हो रहे हैं, आज लोग फांसी खा के मर रहे हैं, आज भूत व्याधा से जकड़े हुए लोग हैं, आज कैंसर से मर रहे हैं, हजारों बीमारियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर पिता की बाहें संसार के लिए ही है। वो बुला रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग नाश ना हो और जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। लोगों, मैंने ये जीवन पाया है, मैं एक छोटा सा सत्संग अपने यहां इस बात का लगाता हूं।